एचपीएससी के अभ्यर्थियों के हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता से मुलाकात हुई है और इस दौरान अभ्यर्थियों ने एचपीएससी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जानकारी दी। अभ्यर्थियों के आरोप के बाद सुशील गुप्ता ने एचपीएससी और हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षित होने के बावजूद भी हरियाणा का युवा हताश है, रोजगार की कमी की वजह से युवा अपराध और नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। सुशील गुप्ता ने ये कहा कि अभ्यर्थियों के साथ साथ उनके साथ न्याय के लिए एचपीएससी पेपरों की एक रीचेकिंग होनी चाहिए। तो सुशील गुप्ता को भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की जानकारी दी है। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों के साथ एक मुलाकात हुई, एचपीएससी पेपर की रीचेकिंग करें, ये बात सुशील गुप्ता ने कही है, आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रदेश प्रभारी। और इसी के साथ आपको बता दें कि सुशील गुप्ता को भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की जानकारी दी गई है कि पेपर की पूरी तरह से चेकिंग हो, उन्होंने इसको लेकर के मांग की है। और वो तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हरियाणा आम आदमी पार्टी अध्यक्ष से मिले एचपीएससी के अभ्यर्थी और उन्होंने तमाम अनियमितता की ये जानकारी दी है। और इसी को लेकर के हरियाणा आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता, उनकी तरफ से ये मांग की गई है कि पेपर की रीचेकिंग होनी चाहिए। रोजगार नहीं है, इससे बच्चे हताश हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं, इससे बच्चे हताश हैं। ये तमाम बातें सुशील गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। तो सुशील गुप्ता को भर्ती प्रक्रिया को लेकर के ये जो तमाम एचपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि किस तरह से अनियमितता बढ़ती गई है और आपको बता दें इसी के साथ उन्होंने मांग की है कि पेपर की रीचेकिंग होनी चाहिए। जय हिंद साथियों, हरियाणा का युवक पढ़ लिख के अपने आप को हताशा महसूस। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अनेकों बार नए नियम बनाता है और छात्रों को परेशान करने का एकमात्र जरिया उन्हें बनाता है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में एचपीएससी के एग्जाम के लिए 100 सीटों की वैकेंसी है, जो सैकड़ों विद्यार्थी प्रिंस में पास हुए थे। अब मेन के एग्जाम में कानून यह है कि एक के बदले तीन कम से कम साक्षात्कार के लिए बुलाने चाहिए, परंतु इन्होंने जानबूझ के केवल 61 बच्चे पास किए, केवल और केवल बच्चों को परेशान किया जा रहा है। इनकी मांग के साथ साथ आम आदमी पार्टी की भी मांग है कि इन पेपरों की रीचेकिंग हुए, क्वालिफाइड आदमी इनको दोबारा रीचेक करे और सभी एलिजिबल बच्चों को पास कर दे, कम से कम 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। जिस तरीके से हरियाणा का युवा बेरोजगारी की मार को झेल रहा है, इस तरीके से बार बार परेशान करना उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि इनकी रीचेकिंग कराएं और बच्चों को उचित मूल्यांकन देके कम से कम 3 गुना